शादी मना रहे हो कोई पता नहीं मरे आमदनी तो छोड़िए, चार चार खादे कानून उनके ऊपर लादने का काम किया। ऐसे चार कानून जिसके तहत में किसान को मजबूरन अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़े, और पट्टे में किसको? उन्हीं उद्योगपतियों को, उन्हीं इनके चहेतों को जो इनको लाखों करोड़ रुपया चंदा देते हैं और कहते हैं कि चुनाव लड़ो, उनको देने के लिए इन्होंने चार कानून बनाए। बहुजन समाज पार्टी ने, हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हर जगह उसका विरोध किया, लेकिन और किसानों ने विरोध किया क्योंकि इनके कानून को समझ गए थे कि ये जमीन एक बार हमारे हाथ से गई तो इस पूरे जीवन भर में नहीं मिलने वाली, हम कोर्ट कचहरी करते करते थक जाएंगे लेकिन ये जमीन हमको वापस नहीं मिलेगी। 700 से ज्यादा किसान मर गए 15 महीने के आंदोलन में, इनको असर नहीं हुआ, इन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और इस हद तक नीचे गिर गए कि आपने मंत्री और मंत्री के लड़के के माध्यम से लखीमपुर में आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से अपनी गाड़ी से कुचल करके किसानों को मारने का घृणित काम किया और दबा करके मार दिया। आज वो व्यक्ति अभी भी मंत्री बने हुए हैं, उनका लड़का आज 4 महीने भी नहीं हुए, 3रा महीना पूरा हुआ है, उनको बेल मिल जाती है और बेल निकल के फिर बाहर आ गए और कहते हैं कि चुनाव खत्म हो जाने दो, हम तो कानून भी लाएंगे वापस और सबक भी सिखाएंगे, अभी से धमकी देने लगे हैं। तो ये वो सरकार है, इन्होंने अभी जब चुनाव की घोषणा हो गई, होने वाली थी, उसके 15 दिन पहले 25 रुपए बढ़ाने का काम किया गन्ने का दाम 25 रुपए, 5 साल तक नहीं पढ़ाया, आखिरी में 25 रुपए, वो भी अभी नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, लेकिन 25 रुपए बढ़ाने काम किया। समाजवादी पार्टी वालों ने 35 बढ़ाया था, इन्होंने 25 बढ़ाया,